बोकारो रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने 15 लड़कियों को रेस्क्यू किया। सभी लड़कियों को चकरधरपुर से विजयवाड़ा काम कराने के नाम पर ले जाया जा रहा था। रेस्क्यू की गई लड़कियों के साथ चकरधरपुर का एक युवक भी है जो काम करने इनके साथ जा रहा था। इस मामले में आरपीएफ पुरुलिया के एक युवक से भी पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक इन सभी लड़कियों को चकरधरपुर से पुरुलिया के रोहित चटर्जी ने 2 दिन पहले अपनी गाड़ी से पुरुलिया लाया था और अगले दिन शनिवार को बोकारो रेलवे स्टेशन से सभी को धनबाद एलएपी एक्सप्रेस से विजयवाड़ा ले जाने की तैयारी में था। इसी दौरान इन लड़कियों पर आरपीएफ की नजर पड़ी तो सभी को डिटेन किया। समूह में शामिल आशा कुमारी ने बताया कि पहले यहां से 4 लड़कियों को विजयवाड़ा ले जाया गया है। इसी तरह रोहित चटर्जी हम सभी के गांव पहुंचकर काम दिलाने के नाम पर विजयवाड़ा ले जाने की बात कहकर घर से लेकर आया है और घर में किसी तरह की कोई राशि नहीं दी गई है। पता नहीं, वो नहीं जानते, पर भैया ऐसा बोलते थे। पहली बार जा रही हो? हाँ, पहली बार जा रहे हैं। तो तुम लोग को घर वाला को जानकारी है? घर वालों को तो बोले कि हम लोग काम करने जाएंगे, तो भैया बोले कि आप ले जाएंगे। ये भैया कहाँ रहते हैं, ले जा रहे हैं तुम लोग को? पुरुलिया के हैं। कैसे जानते हो? काम करने पहले गए हुए हैं 4 जन। अच्छा। दीदी लोग तो उन लोगों के यहाँ से हम लोग को कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया था। अच्छा। फिर हम लोग इनके कॉन्टेक्ट नंबर लेकर हम लोग बोले कि हम लोग भी काम करने जाएंगे। दीदी लोग बोले कि अच्छा काम हो रहा है बोल के। तो तुम लोग को पता नहीं कि कौन सा काम कराने ले जा रहा? दीदी लोग बोलती कि अच्छा काम है। तुम लोग को पता है? नहीं। कितना पैसा दिया तुम लोग माँ बाप को? ये माँ बाप लोगों को पैसा नहीं दिए हैं भैया। बोला दिए हैं दो बार? नहीं, नहीं दिए हैं भैया। ले जा रहा है विजयवाड़ा सर। क्या बोल के ले जा रहा? ले जा रहा है, मच्छी का काम होगा बोल के सर। हम लोग का गांव का और भी 4 लड़की गया हुआ सर, यही ले गया था सर। तो लोगों से बोला कि अच्छा काम हो रहा है और मेरा ठेकेदार से बात करो, उधर पुरुलिया का है तो ठेकेदार से बात की, वही फ़ोन किया था उधर एक ही साथ आना बोल के, तो ये गाड़ी लेके गया था सर हम लोग के घर तक। जी सर। उसके बाद सर हम लोग आए तो पुरुलिया में हम लोग को लॉज में ठहरा दिया 2 दिन थे सर। इसके बाद में आज हम लोग बैठा कर यहाँ लाया। यहीं से टिकट? जी। कितना पैसा देगा बोला सर? हम लोग को तो सर 350 रुपया हाजिरी देंगे बोला था सर। लोग बोल रहे हम लोग को पता ही नहीं है कहाँ ले जा रहा काम करने है। नहीं बोला गया था सर। एक चीज बताओ, क्या झारखंड में काम नहीं है सर, आप लोग बाहर जा रहे हैं? नहीं सर, हम लोग बहुत गरीब है सर। हाँ। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।